प्यारे भक्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे नमस्कार। गीता के संदर्भ में कुछ बात चल रही थी। बात ये चल रही थी कि यहाँ सोना गुना है, जागना ही है तेरा मजहब। उस पर से रेफरेंस आया था गीता का, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारे जीव जब मूर्छित होते, बेहोश होते, निद्रा में होते हैं, तब संयमी पुरुष जागता है। और जब पूरी दुनिया जागती है, मतलब दुनिया सांसारिक रसों में डूबी हुई है, उस समय संयमी रात्रि समझता है, मतलब अंधकार समझता है और अंधकार की ओर जाना कोई नहीं चाहता। हमारे वेद कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार में से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्यु मा अमृतम गमया, मृत्यु में से अमृत की ओर मुझे ले जाओ। तो दोस्तों, मृत्यु में से अमृत की ओर जाने की ये कला है जो मैं सिखा रही हूँ। अंधकार में से प्रकाश की ओर जाने की ये कला है जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। यहाँ सोना गुना है, जागना ही है तेरा मजहब। यहाँ सोना गुना है, जागना ही है तेरा मजहब। अगर पक्का है, अगर पक्का है बंदा तो इलम को जान ले प्यारे। यहाँ सोना गुना है, अजागृति में रहना, मूर्छित अंदर से मूर्छित दशा में रहना, ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा सब भुगतते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों को पता तक नहीं हो रहा है कि मैं अजागृति में हूँ। दया के पात्र है ऐसे लोग, उसे पता ही नहीं है कि मैं मेरी अजागृति की वजह से पीड़ा भुगत रहा हूँ। जितने भी मेरे दुख है उसमें से बहुत कम दूसरों के दिए हुए होते हैं, ज़्यादा तो अपने अजागृति के कारण ही होते हैं। और अजागृति में जीने वाला फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई कहता है कि मेरे स्टार्स खराब चल रहे हैं, मेरे सितारे गर्दिश में हैं। कोई कहता है कि पूर्व के कोई मेरे कर्म होंगे, मैं तो बराबर सीधा साधा जीवन जीता हूँ। तू सीधा साधा जीवन जीता है, एक बार तो तेरे भीतर झांक करके देख, एक बार तो भीतर झांक, बाहर का सब कुछ भूल कर, नाम रिश्ता नाता नेशनलिटी जो कुछ भी तेरे पास है, पद प्रतिष्ठा धन सब कुछ छोड़कर एक बार समग्रता के साथ भीतर उतर के देख, तो तुझे पता चलेगा कि तू जो कुछ भी परेशान है, 90% तो तेरे ही तू ही उसका कारण है, तेरी वजह से ही है परेशानियाँ। गलतियाँ से बाहर निकल जा, दूर हो जा, गुनाहों से दूर हो जा, तू भी मस्त रहेगा। तो यहाँ सोना गुना है, जागना ही है तेरा मजहब। यस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। स्थित प्रज्ञ मुनि जो होता है, तो जब दुनिया सोती है, यस्यम जागृति भूतानि
पूरे भूत भूत ही है ना, भूत जैसे ही पंच महाभूत से आगे है, का क्या दिखाई दे रहा है आदमी को? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर से आगे देखता ही नहीं है। शरीर से ऊपर बंदा उठे तो पता चले कि सूक्ष्म जगत एक है और वो लाखों गुना शांति देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला है, वह जगत सत्य है। लेकिन नश्वर के पीछे दौड़ने की मनुष्य को आदत हो गई। यस्यम जागृति भूतानि, लेकिन सारे भूत सारे जीव जब जागते हैं, मतलब जो विषयों में रस लेते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, जागृत पुरुष उसे अंधेरा मानता है। अंधेरे को पहचान लिया तो प्रकाश की खोज अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन आप दरवाजे बंद करके बैठे, खिड़कियां बंद करके बैठे, सूरज तो आसमान में है, लबालब रोशनी से भरा है आसमान, प्रकाश की किरणें खिड़की को पकड़ कर लिपट कर बैठे हैं कि कब खुले हम अंदर जाए, कब खुले हम अंदर जाए, मनुष्य के लिए हम उपयोगी बने, मनुष्य को सब अच्छे तरह से दिखाई दे। लेकिन ना, खिड़कियां खोलनी नहीं है, दरवाजे खोलने नहीं है, यहाँ से बंद है, यहाँ से सब खुला है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। छोड़ो दोस्तों, यहाँ सोना गुनाह है, जागना ही है तेरा मजहब। तेरा सही मजहब क्या है? दुनिया जिसे मजहब कहती है, दीन कहती है, धर्म कहती है, ये बाहरी है सब। और ये बाहरी है ना, वो बेस है, वहां से सीढ़ियां शुरू होती है, फिर एक रियल रिलीजन शुरू होता है। उसे रिलीजन नहीं कह सकते, बहुत छोटा शब्द पड़ जाएगा, लेकिन अध्यात्म का आरंभ होता है। रियल धर्म में मनुष्य का जब प्रवेश होता है, बेस जब पक्का हो जाता है, हुआ तो काफी लोग मैंने देखे हैं कि रोज मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, पर्दे करते हैं, भगवान को जगाते हैं, ऐसे तो अनेक विधि है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब झूठे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये बाहरी धर्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों किया, हमारे शास्त्रों ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि पहले बाहर से तो थोड़ा शुद्ध बने, पूजा पाठ के बहाने भी शांति से थोड़ा तो बैठे, आरती भजन के बहाने भी थोड़ा बैठे, कोई शब्द से जाग जाए, शायद कोई किरण उतर जाए। इसलिए एक बाहरी धर्म में, मेरे शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ, एक बाहरी धर्म और दूसरा है अध्यात्म, जिसका लेना देना सीधा यहाँ से होता है, अंतर से सीधा संपर्क होता है उसका। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर का धर्म निभाते 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 फिर वो आदत बन जाती है, ऊपर उठना नहीं बनता। मैं कहती हूँ धीरे 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 ऊपर उठना होता है, लेकिन बंदा वहाँ ही रुक जाता है। फिर कहता है शिखर का दर्शन नहीं होता, लेकिन तू तलहटी में बैठा है, शिखर का दर्शन कहाँ से होगा? तुझे ऊपर यात्रा करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाहर से जो तू कर रहा है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है तेरा, लेकिन प्लेटफॉर्म भी पक्का जीवन तक नहीं हो तो ऐसे बंदे के लिए क्या करे? तो सावधान, आपके बाहरी धर्मों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है,
मैंने भी सब कुछ किया है और वहाँ से ही मेरा बेस तैयार हुआ है, जिसकी वजह से यह महारेश्वरी बोल रही है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि प्लेटफॉर्म तैयार करते करते सीढ़ियाँ भी बनाते जाओ, चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न आपके भीतर उठना चाहिए। और जब ऐसे प्रश्न उठेंगे तो ये प्रामाणिक प्रश्न होंगे और जवाब भी भीतर से आएगा। बाहर भटकते रहते लोग के रेडीमेड कुछ मिल जाए, क्योंकि आदत पड़ गई ना, रेडीमेड खाना, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड मकान, सब तैयार तैयार, तो फास्ट फूड की तरह लोग चाहते हैं कि अध्यात्म में मेरा प्रवेश हो जाए, मैं ध्यानी बन जाऊं, बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाए, मैं भी साधु संत महात्मा जैसे होते बड़े बड़े त्यागी उसकी तरह हो जाऊं। कैसे हो पाएगा? अभी तो आप प्लेटफॉर्म बनाने में ही लगे, नींव में उतरे हुए अभी तो आप। जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और शांति चाहिए उसे बुद्ध जैसी, कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों, फिर से एक बार, यहाँ सोना गुना है, जागना ही है तेरा मजहब। अगर पक्का है बंदा तो, अगर तू पक्का बंदा है, पक्का भगवान का भक्त है, तो इलम को जान ले प्यारे। जागना, प्रतिक्षण अवेयर रहना, सजग रहना, यही तेरा मजहब है, यही तेरा परम धर्म है। अगर तू आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है और वह झलक लेना चाहता है जो बुद्ध ने और महावीर ने ली थी, तो यहाँ सोना गुना है। मूर्छा में मत रहो, नींद में मत रहो, अजागृति में मत रहो, ये गुनाह बन जाएगा। और उस गुनाह की सजा आप भी भुगतेंगे, और आपने जिसके साथ जीवन जोड़ा है, जो पत्नी हो, बच्चे हो, वे भी उसके शिकार बनेंगे, तो इसके लिए भी जिम्मेदार आप होंगे। तो सावधान, आगे बढ़ते हैं। अगर पक्का है बंदा तो, अगर तू पक्का भक्त है, तो इलम को जान ले। ये इलम जो मैं बता रही हूँ, इस इलम को जान ले।